फिर यहाँ बताया है द किंगडम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर के साम्राज्य के बारे में यहाँ बताया अपने को, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ऑफ दिल्ली, देयर वेयर मेनी रिवॉल्ट इन द साउथ अगेंस्ट द सेंट्रल पावर ऑफ दिल्ली। फ्रॉम दीज रिवॉल्ट अरोज द फॉर्मिडेबल विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। तो जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का राजा था, उस समय में बहुत से मतलब विद्रोह हुए। कौन से एरिया में? साउथ में, दिल्ली के अपोज में। तो और यहाँ इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ नए नए मतलब साम्राज्य स्थापन हुए, जो एक यहाँ बताया गया है विजयनगर और बहामनी। तो यहाँ बताया द ब्रदर हरियर एंड बुक्का फ्रॉम साउथ इंडिया वेयर सरदार इन द सर्विस ऑफ दिल्ली सुल्तानेट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इन स्टेबिलिटी इन द साउथ ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दे फाउंडेड द किंगडम ऑफ विजयनगर इन साउथ इन 1336 CE। तो जो द ब्रदर हरियर एंड बुक्के दो भाई थे, ये साउथ इंडिया में मतलब दिल्ली सुल्तान के इसमें सर्विस करते थे। तो इन्होंने क्या किए, जो सुल्तान घराने में अस्थिरता जो चल रही थी मोहम्मद बिन तुगलक के इसमें, तो इन्होंने इसका फायदा उठा के एक साम्राज्य स्थापन के विजयनगर में, जो दक्षिण भाग में है, 1336 में। हम्पी इज टूडे कर्नाटका वाज द कैपिटल ऑफ दिस किंगडम। इनकी राजधानी थी हम्पी, जो आज कर्नाटक में स्थित है। हरियर वाज द फर्स्ट किंग ऑफ विजयनगर, और इस विजयनगर का फर्स्ट राजा कौन था? हरियर। तो हरियर वाज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर बुक बाउट बॉट द रीजन अप टू रामेश्वर अंडर हिज कंट्रोल। तो हरियर एक और उसके जो भाई थे बुके, बहुत ही अच्छे राजा थे, और इन्होंने रामेश्वर तक अपना साम्राज्य स्थापन किया था। तो कृष्णदेव राय असेंडेड द थ्रोन ऑफ विजयनगर इन 1509 CE। तो कृष्णदेव राय ये जो राजा है, इन्होंने मतलब इनका जो राज्याभिषेक है ये विजयनगर में 1593 में हुआ है। ही कॉन्क्वर्ड विजयवाड़ा एंड राजमहेंद्री एंड एनेक्स द रीजन टू हिज किंगडम। ही रिपीटेड द कम्बाइंड फोर्स ऑफ द आर्मीज ऑफ द सुल्तान हु यूनाइटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ बहामनी सुल्तान मोहम्मद शाह। तो इनका राज्य जो है विजयवाड़ा और राजमहेंद्री, यहाँ मतलब स्थापन था। और इन्होंने क्या किए, जो कम्बाइंड फोर्स थी सुल्तान की, उनको एक सत में पराजित की है। तो सुल्तान के जो फौज है, उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? जो मोहम्मद शाह है। ड्यूरिंग कृष्णदेव राय रीजन द किंगडम ऑफ विजयनगर एक्सटेंडेड फ्रॉम कटक इन द ईस्ट अप टू गोवा इन द वेस्ट एंड फ्रॉम द रायचूर इन द नॉर्थ अप टू द इंडियन ओशन इन द साउथ। ही डाइड इन 1530। तो कृष्णदेव राय राजा के मतलब काल में विजयनगर का जो विस्तार था, वो कहाँ से कहाँ तक था? यहाँ दिया है कटक, जो उड़ीसा में है। तो कटक से लेके गोवा तक, इन द वेस्ट, ईस्ट में कटक, वेस्ट में गोवा तक था, और रायचूर से लेके दोब तक नॉर्थ में, नॉर्थ से लेके इंडियन ओशियन तक। तो इतना मतलब ये एक प्रगतिशील राज्य था। और जो कृष्णदेव राय है, इनकी ये 1530 में इनकी मौत हुई है। कृष्णदेव राय वाज अ स्कॉलर, ही रोट द अमुक्त माल्यवादी अ तेलुगु कैंपेडियन ऑफ पॉलिटी द हजार राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वेयर बिल्ड इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रीजन। तो जो कृष्णदेव राय राजा थे, एक स्कॉलर राजा थे, और इन्होंने तेलुगु में मतलब एक ग्रंथ लिखे हैं। और जो हजार राम टेम्पल है और विट्ठल टेम्पल, इनके मतलब रीजन में बनाया गया है, इनके पीरियड में बनाया गया है। द डिक्लिंग ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगन विद द डेट ऑफ कृष्णदेव राय इन 1565 CE एट तालीकोट, द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कर्नाटका। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन आदिल शाह, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरिश शाही ऑन वन साइड एंड विजयनगर ऑन द अदर साइड। विजयनगर वॉज रिपीटेड देयर आफ्टर द डोमिनेंस ऑफ विजयनगर केम टू एन एंड। तो
जो विजयनगर किंगडम का अस्त कृष्णदेव राय के राजा के मरने के बाद में हुआ, तो 1565 में तालीकूट में लड़ाई हुई थी, कर्नाटक जो आज के कर्नाटक स्टेट में है। तो एक साइड में आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरिदशाही, और दूसरे साइड में विजयनगर के राजा, इनके इसमें लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई में विजयनगर का अस्त हो जाता, मतलब इस लड़ाई में विजयनगर के राजा हार जाते हैं, और उसके बाद में इस साम्राज्य का अस्त हो जाता है। द महामनी बहामनी किंगडम वाइल मोहम्मद बिन तुगलक वाज स्टिल रीजनिंग सम ऑफ द सरदार इन द डेक्कन रोज इन द रिबिलियन अगेंस्ट हिम, द लीडर ऑफ दिस सरदार हसन गंगू रिपीटेड द आर्मी ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, अ न्यू किंगडम नोन एज द बहामनी किंगडम केम इन टू एक्सिस्टेंस इन 1347 सी। हसन गंगू बिकम द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द बहामनी किंगडम, ही मेड द सिटी ऑफ गुलबर्गा इन कर्नाटका हिज कैपिटल। तो मोहम्मद बिन तुगलक इसके ये जब सरदार था उस समय में, डेक्कन जो रोज था उसके अपोज में सरदार लोगों ने एक विद्रोह किए थे, और जिसका सरदार मतलब जिसका लीडर था हसन गंगू। तो हसन गंगू ये इसने एक सेना बनाया और वो सुल्तान के साथ में उसने लड़ाई किया, और उसमें जीत के उसने एक नया साम्राज्य अपना स्थापन किया, उसको का नाम दिया बहामनी किंगडम। तो बहामनी किंगडम ये 1347 में इसका मतलब उदय हुआ, और हसन गंगू ये फर्स्ट सुल्तान बहामनी किंगडम का साम्राज्य का बना, जिसने अपनी कैपिटल गुलबर्गा सिटी जो आज कर्नाटक में स्थित है वो उसकी कैपिटल थी। मोहम्मद गवान वाज द चीफ वजीर ऑफ बहामनी किंगडम। तो मोहम्मद गवान जो था ये चीफ वजीर था बहामनी किंगडम का। तो ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक बहुत अच्छा प्रशासक था। ही सेंट नवा बहामनी किंगडम, इसने अपने साम्राज्य को बहुत ही सशक्त बनाया था। ही स्टार्टेड प्लेइंग द सोल्जर्स देयर सैलरीज इन कैश इंस्टेड ऑफ शॉर्ट लैंड ग्रांट्स। पहले सोल्जर्स लोगों को ग्रांट दी जाती थी, तो इसने वो पद्धति बंद करके उनको कैश में सैलरी देना स्टार्ट किया। ही वॉट द डिसिप्लिन इन द आर्मी, और इसने अपने आर्मी में जो सेना में एक डिसिप्लिन स्थापन किया। ही इंट्रोड्यूस मेनी रिफॉर्म द लैंड रेन्यू सिस्टम, बहुत से जो महसूल पद्धति है वो महसूल पद्धति से इंट्रोड्यूस किया, उनको लागू किया। ही ओपन अ मदरसा एट बिदर फॉर अरेबिक एंड पारसियन स्टडी, इसने बहुत सी मदरसाएं ओपन की जो अरेबिक और बिदर जो उनके स्कूलों का नाम है अरेबिक और पारसियन स्टडी के लिए। आफ्टर द डेट ऑफ मोहम्मद गवान पैट्रियटिज्म इंक्रीज अमंग द बहामनी सरदार, द कॉन्फ्लिक्ट विद द विजयनगर किंगडम हैड एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द बहामनी किंगडम। तो मोहम्मद गवान के डेट के आफ्टर सरदार लोगों में जो बहामनी किंगडम से मतलब बिलोंग करते थे उनमें मतभेद हो गए, और उसका उनका आपस में झगड़ा होने बैठा, और इसका बहुत ही प्रतिकूल परिणाम ये बहामनी किंगडम के ऊपर हुआ। द प्रोविनिकल गवर्नर बिगन टू एक्ट मोर द इंडिपेंडेंटली, दिस लीड टू द डिस्ट्रिगार्डेशन ऑफ द बहामनी किंगडम इंटू 5 स्मॉल पावर्स, इदामशाही ऑफ वराड, बरीदशाही ऑफ बिदर, आदिलशाही ऑफ बीजापुर, निजामशाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा। तो जो बहामनी किंगडम था इसका विघटन हो गया, 5 छोटे छोटे सत्ताओं में, 5 इसमें राज्य में इसका विघटन हो गया। यहाँ नाम बताया अपने को, तो इमादशाही वराड, इमादशाही ऑफ वराड, और बरीदशाही ऑफ बिदर, और आदिलशाही ऑफ बीजापुर, निजामशाही ऑफ अहमदनगर एंड कुतुबशाही ऑफ गोलकोंडा। अभी मुगल पावर, मुगल पावर के यहाँ बता पावर के बारे में बताया। इन 1526 CE द सुल्तान सुल्तानेट ऑफ दिल्ली केम टू एन एंड, मुगल पावर वाज एस्टेब्लिश देयर। तो 1526 में जो दिल्ली का सुल्तान घराना था जो अस्त हुआ उसका, और वहां मुगलों ने अपनी सत्ता स्थापित की। तो उसमें मुगल सरदारों में बताया गया बाबर, बाबर वाज द फाउंडर ऑफ मुगल पावर, जो बाबर ये राजा है ये मुगल सत्ता का मतलब स्थापन करता है। ही वाज द किंग ऑफ फरगना इन सेंट्रल एशिया इन टूडेज उज्बेकिस्तान, ही हैड हियर्ड ऑफ द वेल्थ ऑफ इन इंडिया, शो ही प्लान एंड
इन्वेंशन ऑफ इंडिया। तो ये जो बाबर था, ये बाबर फरगना का राजा था जो आज के सेंट्रल एशिया में, जो आज के उज्बेकिस्तान में है। इसने अपने भारत के मतलब समृद्धि के बारे में बहुत सुना था और उसको बहुत उत्सुकता थी अपने भारत में, तो वो भारत में आक्रमण करने के लिए प्लानिंग कर रहा था। उसी पीरियड में क्या होता है, देखो, द रीजनिंग सुल्तान ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम वाज इब्राहिम लोधी। दौलत खान लोधी वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब अंडर द सुल्तानेट। देयर द रिलेशनशिप बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड दौलत खान लोधी वाज द स्ट्रेंथ। दौलत खान लोधी इन्विटेड बाबर टू मार्च ऑन इंडिया। टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी बाबर इन्विटेड इंडिया। तो जो बाबर अपने भारत के ऊपर आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा था, उसी पीरियड में जो दौलत खान इब्राहिम लोधी था, वो इब्राहिम लोधी के इसमें दौलत खान लोधी था, ये गवर्नर था पंजाब प्रांत में। उसके और इब्राहिम लोधी के जो संबंध थे, ये संबंध तनावपूर्वक थे, दोनों में मतभेद थे। तो जो दौलत खान लोधी था, इसको इब्राहिम लोधी को हराना था। वो क्या करता है, बाबर को इनवाइट करता है, उसको मतलब आमंत्रण देता है कि भारत के ऊपर तुम आक्रमण करो करके। तो बाबर जो था, ये वही मतलब अपॉर्चुनिटी देखते था कि कब मेरे को चांस मिलता है करके। तो वो भारत के ऊपर आक्रमण करता है और उसका क्या इफेक्ट होता है देखेंगे अपन। टू रिपेल बाबर इन्वेशन इब्राहिम लोधी स्टार्टेड विथ हिज आर्मी। देयर वॉज अ बैटल बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर ऑन 21 अप्रैल 1526 at Panipat. In this battle, Babur made use of an artillery effectively for the first time in India. He defeated Ibrahim Lodi's army. This is known as the first battle of Panipat. तो जो बाबर जब आक्रमण करता है अपने भारत के ऊपर, तो जो स्थानिक राजा थे वो राजा उसको प्रतिकार भी करते हैं। तो इब्राहिम लोधी अपनी मतलब आर्मी के साथ में उसका प्रतिकार करता है, लेकिन इस लड़ाई में जो बाबर था उसकी तोपखाना फौज जो थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल यहाँ मतलब निभाती है। तो फर्स्ट टाइम बाबर ने अपने भारत के ऊपर पूरी ताकत से आक्रमण करता है, पूरी अपना ये लगा के। तो इनकी लड़ाई कब होती है, यहाँ दिन बताया गया 21 अप्रैल 1526 पानीपत में फर्स्ट लड़ाई होती है। तो इस लड़ाई में जो इब्राहिम लोधी था, इसका पराभव होता है, वो हार जाता है और दिस इज नोन एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई करके यानी इस लड़ाई को पहचाना जाता है।